हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, इंटरेस्ट इन एन्यूटी चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने कुछ जगह पर देखा था, तो लेट मी डिस्कस दिस। देखिए, मान लेते हैं 1 लाख की लोन है, 12% पर एनम रेट है, 3 साल में पे करना है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई क्या होगा? ये वैल्यू आपको ऑलरेडी एग्ज़ाम में दी है, तो ये ऑलरेडी आपको पता है कि ये कैसे सॉल्व करना है। मंथली इंस्टॉलमेंट है तो m12 है, i होता है रेट बाय 100 यानी 0.12 डिवाइड बाय m यानी 1% होगा हर महीने का। देन टोटल n जो होता है वो टोटल इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, वो n इंटू m होता है जो है 36। नाउ फॉर्मूला ऑलरेडी क्या है कि मैंने आपको ओरिजिनल फॉर्मूला भी बताया था, और इसमें अगर हम क्या है मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये आप फॉर्मूला यूज़ करते हो ईएमआई फाइंड करने के लिए। यानी जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू लोन का अमाउंट है इंटू आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस i रेज टू माइनस n, ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको ईएमआई मिलेगी। और मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, जो वैल्यू दी थी वो मैंने यूज़ भी की है, और उसके बेस पर मुझे ईएमआई मिला है 3321.43। अब देखो, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी कंसेप्ट को अगर एकदम परफेक्टली समझना है तो डिटेल में जाओ। एक बार डिटेल में जाओगे हमेशा के लिए शांति मिलेगी। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, डिटेल में जाना ही नहीं है तो हमेशा के लिए क्या है मन में अशांति रहेगी, एग्जैक्ट क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 1 लाख है ईएमआई 3321.43 के पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं रीपेमेंट शेड्यूल। तो रीपेमेंट शेड्यूल में एंड में जीरो आता है क्योंकि आपने एग्जैक्टली वो लोन पे कर दी है। अब देखो यहाँ पर अभी तक तो देखो ये रीपेमेंट शेड्यूल है ना, आपको सिलेबस में नहीं है बराबर। अब यहाँ पर कुछ वेरिएशन ये आ सकते हैं कि आपको बोलेंगे कि भाई ये वाले हफ्ते के स्टार्टिंग में कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था वो फाइंड करो, या ये वाला हफ्ता था उसमें कितनी इंटरेस्ट भरी गई है, या वो वाले हफ्ते में कितना प्रिंसिपल भरा गया है वो फाइंड करो। तो ये अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मुझे फॉर्मूला में करना पड़ेगा ताकि क्या है ये क्लियर हो जाए। तो अभी जो आपके सामने फॉर्मूला है जो मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपके लिए अलग है, ओके। तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग वो होगा ए यानी जो हमारा ईएमआई है वो, यानी जो हफ्ता है वो, इनटू ब्रैकेट यानी ए बाय आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस i रेस टू के प्लस 1 माइनस n। अब ये के क्या है, के यानी कौन सा इंस्टॉलमेंट की स्टार्टिंग में आपको प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग चाहिए वो है के। जैसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 16वें इंस्टॉलमेंट, तो के है 16, तो आपको क्या करना है के माइनस एन प्लस वन। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा के माइनस एन माइनस वन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये के में से आपको क्या है ये वैल्यू माइनस करनी है, ओके। यानी ये नेगेटिव होगा, के है 16, टोटल कितने इंस्टॉलमेंट्स थे एन 36। तो याद रखो अगर टोटल 36 इंस्टॉलमेंट है तो आप क्या करोगे 36 प्लस 1, ये के में से माइनस करो, सो यू विल गेट हियर -1। और ये वैल्यू ऑलरेडी आपको दे दी है 1.01 रेस टू -21 इज सो एंड सो। तो वी विल पुट द वैल्यू ए अपॉन आई इनटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस i का पावर, ये हम अगर शॉर्ट में कहे तो ये कैसे होगा, दिस इज के माइनस ब्रैकेट में n+1। तो वैल्यूज पुट कर दी, ये वैल्यू पुट करे 1 माइनस समथिंग यू विल गेट दिस वैल्यू, व्हेन यू मल्टीप्लाई यू गेट दिस वैल्यू। तो मुझे मिला है 62632। अब ये सही है कि नहीं देखो, चलो यहाँ पर आते हैं। तो देखो 16वें इंस्टॉलमेंट के स्टार्टिंग में मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था 62632.18, और यहाँ पर मुझे वही मिला है 62632, यानी ये आंसर करेक्ट है। चलो एक आंसर हो गया, यानी बिना रीपेमेंट शेड्यूल बनाए कोई
कोई भी हफ्ते के स्टार्टिंग में कितना आउटस्टैंडिंग है दैट यू कैन फाइंड। अब सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरेस्ट पेड इन 16वीं इंस्टॉलमेंट। याद रखो 16वीं इंस्टॉलमेंट के स्टार्टिंग में अगर आपका इतना इन प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था 6 to 6:32, उसी पर तो ब्याज लगेगा, तो हमारा महीने का जो 1% है वो इसी पर लगेगा। तो 6 to 6:32 पर 1% लगाओ तो 626.32। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो वाले इंस्टॉलमेंट में इतना ब्याज लगा है इंटरेस्ट, 626.32। अच्छा एक और क्वेश्चन था इसमें कि 16वीं इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल भरा होगा। देखो जितने पैसे भरे हैं ए, उसमें से जितना इंटरेस्ट भरा है वो निकाल दो, तो बाकी का प्रिंसिपल पे हुआ होगा। तो 16वीं इंस्टॉलमेंट में मेन लोन अमाउंट का इतना प्रिंसिपल अमाउंट पे हुआ होगा, 2695.11। ये भी यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो, 2695.11। ओके अच्छा अब आपको हो गया कि सर ठीक है चलो ये 16वीं में हो गया, और कोई आप एग्जांपल बताओ। तो चलो मान लेते हैं कि अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ ऑफ लेट से 24वीं इंस्टॉलमेंट, बराबर, और मुझे फाइंड करना है इंटरेस्ट पेड इन 24वीं इंस्टॉलमेंट, एंड मुझे ये भी फाइंड करना है प्रिंसिपल पेड इन 24वीं इंस्टॉलमेंट। चलो तो अब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर ये रिपेमेंट शेड्यूल के साथ मैच भी करेंगे। तो मुझे ये पता है कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट के वाली इंस्टॉलमेंट, ओके ये है ना एट द बिगिनिंग ऑफ के वाली इंस्टॉलमेंट, तो वो होगा ए के अपॉन में आई इनटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू, क्या हो जाएगा के माइनस में n+1। ये फॉर्मूला है। अच्छा ए तो हमने ऑलरेडी ऊपर फाइंड किया था, वही है 3321.43। ए यानी ईएमआई वो तो चेंज होता नहीं है, सो 3321.43। आई हमारा कितना था पर पीरियड का 1%। ओके नाउ ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आई यानी 1.01 के पावर में के, जो मेरा है 24, माइनस देखो n+1, n है मेरा कितना 36, n+1 करोगे तो कितना होगा 37। ओके और 3321.43 बाय 0.01 करोगे तो ऑलरेडी ये हमने कैलकुलेशन किया ही था, तो ये दो डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। सो आई विल गेट दिस एज 3321.43 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1.01 का पावर। अब देखो ये पावर नेगेटिव ही होगा, 7 माइनस 4 इज 3 एंड 3 माइनस 2 इज 1, तो ये हो जाएगा पावर -13। सो 3321.43 1 माइनस। अब ये वैल्यू है वो तो आपको क्या है देंगे, अब मैंने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेहनत करके रखी है, 1.01 का पावर -13। तो देखो 1.01 के पावर में अगर मैं -13 करता हूँ तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी 0.876626। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 0.876626। सो 3321.43, अब ये माइनस करते हैं 1 माइनस 0.878626, तो मुझे मिला है 0.121.3374, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3321.43, तो मुझे मिला है 4030.1।
36, 40301 36। तो चलो अब हम इसको चेक करते हैं। ओके, सो ये देखो, ये 24वीं इंस्टॉलमेंट के स्टार्टिंग में जो भी अमाउंट है बराबर, तो आपके सामने ही है। तो मुझे 40301.4, 40301.4 यानी ये आंसर जो मिला है ये मेरा करेक्ट है। ओके, अच्छा और दो क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। इसमें क्या था कि व्हाट इज इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड इन 24वीं इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर मुझे पता है कि भाई आउटस्टैंडिंग कितना था 24वीं इंस्टॉलमेंट के टाइम पे, 40301.36, और हमारा आई कितना था 0.01। तो इसका 1% यानी 403.0136 इतना मुझे ब्याज पे करना पड़ेगा। ओके, 403.0136। तो आप यहाँ पर देखो 403.01 आ गया। चलो मैं इसको भी क्या है हाईलाइट कर देता हूँ ताकि इजी हो आपको आइडेंटिफाई करना। अच्छा एक और क्वेश्चन था इसमें कि व्हाट इज द प्रिंसिपल पेड। ओके, तो प्रिंसिपल पेड इन 24वीं इंस्टॉलमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, जो 24वीं इंस्टॉलमेंट पे की है आपने वो कितनी पे की होगी, 3321.43। ईएमआई तो सेम है, उसमें से आपने ब्याज भरा है 403.01, तो इसमें से 403.01 निकाल दो। ओके, तो 3321.43 में से 403.01 निकालने से 2918.42 मिला है। तो इतना अमाउंट आपका प्रिंसिपल के तौर पर जाएगा 2918.42। तो देखो 2918.42 एग्जैक्टली मैच हो गया। तो बिना रिपेमेंट के भी आप है ना डायरेक्टली कोई भी हफ्ते के बिगिनिंग में कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उसमें कितनी वो हफ्ते में इंटरेस्ट भरी गई है, प्रिंसिपल भरा गया है, वो आप फाइंड कर सकते हो। तो आई होप ये कंसेप्ट रिलेटेड है, लेकिन क्या है पहले नहीं हुआ था तो हमने क्या है अभी इनफेक्ट ये मैंने इस साल ही सीखा है। कीप ऑन लर्निंग। देखो कोई भी कंसेप्ट है एक बार दिमाग में गया तो फिर कोई इंटेंशन नहीं है। अच्छा बिफोर आई फॉरगेट, एक है ना टाइप वन टाइप टू एरर भी इम्पोर्टेंट होती है, काफ़ी बार आते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है, तो मैं जस्ट डिस्कस कर लेता हूँ। एक बार देखिए सुना हुआ होगा ना तो दिमाग में कुछ चीज़ क्या है रजिस्टर्ड होगी और सही टाइम पे आप उसको रिकॉल कर पाओगे। तो टाइप वन टाइप टू एरर क्या है वो आप समझो। देखो यहाँ पर इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस दो चीज़ होती है बराबर। देखो नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अब देखो एरर कब होती है, जब सही था और एक्सेप्ट हुआ तो एरर नहीं है, गलत था और रिजेक्ट हुआ तो भी एरर नहीं है, लेकिन सही था लेकिन रिजेक्ट हो गया तो एरर है, गलत था फिर भी एक्सेप्ट हो गया तो भी एरर है, तो उसको टाइप वन टाइप टू एरर बोलते हैं। अब देखो 80 यानी नल हाइपोथेसिस सही था और आपने एक्सेप्ट भी किया तो ये तो करेक्ट बात है बराबर, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। सिमिलरली देखो आपका नल हाइपोथेसिस गलत था और आपने उसको रिजेक्ट भी कर दिया। देखो H0 नल हाइपोथेसिस का गलत होना इसका मतलब क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपका सही था। ओके, अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस सही था और या फिर नल हाइपोथेसिस गलत था और आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट भी कर दिया तो भी बराबर है, तो इधर भी कोई एरर नहीं है। एरर टाइप वन टाइप टू की कब होगी वो समझो। देखो
नल हाइपोथेसिस सही था लेकिन रिजेक्ट हो गया। हो सकता है कि आपने कैलकुलेशन में टी की वैल्यू में कुछ एरर कर दी। बराबर, आपकी वैल्यू क्या है, कैलकुलेटेड बड़ी आ गई, जबकि एक्चुअली में बड़ी थी नहीं, नहीं तो आपने तो 8-0 रिजेक्ट कर दिया, तो ये टाइप वन एरर होता है। बराबर, तो वो नल हाइपोथेसिस सही होने को बावजूद भी आपने रिजेक्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं टाइप वन एरर। और टाइप टू क्या है, यानी इसको मैं ऐसे मानता हूँ, सच की हार टाइप वन एरर, यानी नल हाइपोथेसिस सच था लेकिन रिजेक्ट हुआ, तो टाइप वन एरर। और झूठ की जीत है ना, वो टाइप टू एरर है, यानी नल हाइपोथेसिस गलत था फिर भी एक्सेप्ट हो गया। बराबर, तो ये है, यानी सच की हार नल हाइपोथेसिस सही था और रिजेक्ट हो गया, तो टाइप वन एरर। एंड नल हाइपोथेसिस आपका गलत था फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, झूठ की जीत, तो ये है टाइप टू एरर। तो टाइप वन टाइप टू एरर, आई होप ये आपके माइंड में क्लियर है। और देखिए यहाँ पर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में भी क्या है कि बहुत अच्छे से नोट्स में हर कंसेप्ट को डिस्कस किया गया है। ओके, तो अभी का जो टाइम है वो आप क्या है गो थ्रू करिए कंसेप्ट्स को और क्लियर रखिए कंसेप्ट्स में। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।